कानपुर शहर में, पूरे शहर में बड़े हर्षोल्लास के साथ संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहाँ दोहरे और दीपक गौतम के साथ संत रविदास आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। यहाँ पे बढ़ चढ़ के लोगों ने बहुत हिस्सा लिया, बहुत ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ संत शिरोमणि रविदास जयंती का प्रोग्राम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि संत रविदास के दिए हुए विचारों के साथ अपनी पूर्ण मेहनत परिश्रम करें तथा शांत मन से समाज की सेवा करते रहें। क्या नाम है आपका? यश गौतम। क्या कहना चाहते हैं? ऐ मेरे समाज के लोगों, हमारा संघर्ष सिर्फ सत्ता और धन पाने के लिए नहीं बल्कि सम्मान पाने के लिए। जय जय भीम, जय जय भीम, जय जय भीम। आज भी हमने आपके विषय में बहुत चर्चा सुनी है, कानपुर में आपने बहुत अच्छे लेख और कवि हैं, कुछ एक सुना दीजिए। चाहूँ राज में, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोटो बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। मतलब समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखने की परिकल्पना संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की। उन्हीं महापुरुषों के आदर्शों को अंगीकार करके हम सब लोग समता, समानता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज की रचना के लिए सतत प्रयासरत हैं। जय भीम, जय भीम।